कि मिलेट्स में छुपा है सेहत का खजाना, तो ये आप कैसे कह सकती हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, सोगम, इन्हीं सब चीजों को हम मिलेट्स के फॉर्म में जानते हैं। मिलेट्स के अंदर प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी और प्रचुर मात्रा में होती है। अगर हम रागी लेते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम का जो कंटेंट है वो 344 मिलीग्राम होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए मिलेट्स का यूज करना बहुत ही लाभदायक होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डाइटिशियन शिखा जी से। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, D5 के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। शिखा, आपका कहना है कि मिलेट्स में छुपा है सेहत का खजाना, तो ये आप कैसे कह सकती हैं? मिलेट्स को अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मिलेट क्या होता है। हम लोग बोलते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, सोगम, इन्हीं सब चीजों को हम मिलेट्स के फॉर्म में जानते हैं। देश में मिलेट्स को सभी जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे ज्वार बोलते हैं तो कहीं पर उसका कुछ और नाम होता है। अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग नाम से पाए जाते हैं, बट ऑल ओवर इंडिया ये इजीली अवेलेबल होता है। और बात करते हैं अगर इनकी क्वालिटी की, इनकी गुड थिंग्स की, तो ये एक सेहत का खजाना ही हम बोल सकते हैं। इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, जितनी हम बताएंगे उतना ही कम है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम मिलेट्स के फायदे। मिलेट्स के अंदर प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी और प्रचुर मात्रा में होती है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो 100 ग्राम्स अगर हम रागी लेते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम का जो कंटेंट है वो 344 मिलीग्राम होता है, जो कि 100 ग्राम्स काऊ दूध से, काऊ मिल्क से भी बहुत ज्यादा होता है। काऊ मिल्क अगर आप 100 ग्राम्स लेते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ 120 मिलीग्राम आयरन कैल्शियम मिलता है, और वहीं रागी के अंदर 100 ग्राम रागी के अंदर आपको 344 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि काऊ मिल्क से भी रागी के अंदर कैल्शियम कंटेंट कितना ज्यादा है। इसी तरह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, मिलेट जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइबर की, तो इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर दोनों मिक्स होते हैं, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बाउल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को दूर करते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर ग्लूटेन कार्बोहाइड्रेट रहता है वो भी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, जो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए या जनरल एक आम इंसान के लिए भी मिलेट्स का यूज करना बहुत ही लाभदायक होता है। ग्लूटेन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि गेहूं में पाया जाता है। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको ग्लूटेन एलर्जी है, आप ग्लूटेन फ्री डाइट लीजिए, या सीलिएक डिसीज है, स्क्रू है, इन सब बीमारियों में ग्लूटेन की एलर्जी रहती है। हमारी बॉडी जो है वो ग्लूटेन को एब्जॉर्ब नहीं करती, उसे रजिस्ट करती है। तो हमें ग्लूटेन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, उससे एलर्जी होती है, तो हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की सलाह दी जाती है। उसके अलावा जो लोग डाइट करते हैं, डाइट मैनेजमेंट है, उसके अंदर भी डाइटिशियंस हैं, या काफी जहाँ पे भी दूसरे लोग वहां पर भी आप लोग जाते हैं, वहां आपको बोलते हैं कि आप गेहूं की रोटी नहीं खाइए, आपको ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सारी चीजें लीजिए। तो इन सब जगहों पे हमें जो गेहूं है और ग्लूटेन कंटेंट फूड जो है, उन सबका सप्लीमेंट हमारे लिए है ज्वार, बाजरा, रागी और सोरगम। इसके अलावा भी बहुत सारे मिलेट्स होते हैं जो सब जगह पाए जाते हैं, इन सबको हमें यूज इसके अंदर करना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम भी बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ये मैंने आपको जैसा कि बताया है, डायबिटिक पेशेंट भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा ये बॉडी हमारी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में होता है, लोअर कोलेस्ट्रॉल जो है, जो जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं LDL, उसको घटाने में मदद करता है। ये हमारी हार्ट की फंक्शनिंग को भी हेल्दी रखता है। इस तरह से हम मिलेट्स को अगर देखते हैं तो ये ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी है।
शिखा, अगर हम ये कहें कि अलग अलग मिलेट्स अलग अलग बीमारियों में खाने चाहिए, तो क्या ये सही है? हाँ, मिलेट्स एक्चुअली ग्लूटेन फ्री डाइट जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हम कोई भी मिलेट यूज कर सकते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर मिलेट्स नहीं है कि आप ये पर्टिकुलर मिलेट्स ही खाइए। इसके अंदर आप कोई भी मिलेट्स यूज कर सकते हैं, मगर आप अगर कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा करता है। आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। क्या बच्चों को ये मिलेट्स दिए जा सकते हैं? बच्चों के लिए मिलेट बहुत हेल्दी होते हैं। उनका जो बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट है, ये बच्चों की जो एज होती है, ये एज रहती है जब बॉडी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट टिश्यू फॉर्मेशन बॉडी बिल्डिंग होती है, उस टाइम पे अगर मिलेट कंज्यूम करवाते हैं हम बच्चों को, तो उनकी बॉडी स्ट्रांग बनती है, बोन स्ट्रांग बनती है, उन बॉडी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं मिलेट्स। अगर हम देखते हैं कि आजकल बच्चों को मिलेट्स अगर हम सिंपली फॉर्म में देंगे तो बच्चों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो हम मिलेट्स को बच्चे जिस फॉर्म में पसंद करते हैं, हम उस तरह से उन्हें दे सकते हैं। क्या आप बताएंगी कि उन्हें किस फॉर्म में देना ज्यादा उचित रहेगा, या क्या बना सकते हैं हम मिलेट्स का? अगर हम देखते हैं बच्चों की पसंद की बात करते हैं, तो बच्चे इडली पसंद करते हैं, डोसा पसंद करते हैं, ब्रेकफास्ट में हम लोग उन्हें उत्तपम देते हैं, चीला देते हैं, तो इसके अंदर आप सभी के अंदर मिलेट्स के जो फ्लोर होते हैं, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, रागी का आटा जो रहता है, वो आप इसके अंदर बनाइए। इंटरनेट पे बहुत सारी रेसिपीज होती है जिन्हें आप देख के और इसके अंदर यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक रागी डोसा, रागी इडली, इसके अंदर आयरन और कैल्शियम कंटेंट बहुत अच्छा होता है। रागी जो है वो तो सभी एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चे हो, यंगस्टर हो या बड़े हो, या लैक्टेटिंग वुमेन जो रहती है, दूध पिलाने वाली माता है, या प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है, सभी के लिए रागी बहुत अच्छी होती है। आप कुछ भी अगर बनाते हैं उसके अंदर हाफ पोर्शन आपके इंग्रेडिएंट्स रखिए और हाफ जो है आप उसके अंदर रागी ऐड कीजिए। अगर आप इडली बनाते हैं उसके अंदर आप वन बोल रागी आटा ऐड कर लीजिए, डोसा बना रहे वन बोल रागी आटा उसमें ऐड कर लीजिए, कोई भी चीज बनाते तो उसके अंदर आप इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके बच्चों को खिला सकते हैं, बड़े भी इसे यूज कर सकते हैं, तो बच्चे इसे साथ में अच्छे से खा भी लेंगे। और अगर आप सिंपली रागी का कुछ बना के देंगे तो बच्चे उसे पसंद नहीं करेंगे। जो चीजें उनकी फेवरेट होती है उसके अंदर आप उसे ऐड करके दीजिए, वो अच्छे से खा भी लेंगे और उनकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी भी रहेगा। एक इंसान को एक दिन में कितना खाना चाहिए, मतलब कितने ग्राम मिलेट्स खा सकता है एक इंसान? बात अगर एक पर डे कंजम्पशन की करते हैं तो हम लोग 100 ग्राम का फ्लोर या मिलेट्स किसी भी फॉर्म में 100 to 150 ग्राम तक हम लोग मिलेट्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। मार्केट में अगर बच्चों की जो हम बात कर रहे थे, तो मार्केट में मल्टीग्रेन ब्रेड होती है, सिंपली मिलेट्स की ब्रेड भी आती है, बच्चों को हम उसके ऊपर भी सैंडविचेस वगैरह बना के दे सकते हैं जिससे इनकी उनकी बॉडी के अंदर मिलेट्स जाए। क्या मिलेट्स कोई नुकसान भी करते हैं? मिलेट्स वैसे कोई नुकसान नहीं करते हैं, बट किसी भी चीज का ओवर कंजम्पशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिलेट्स, तो अगर हम उसे ज्यादा खाते हैं तो कभी कहीं बहुत रेयर परसेंटेज में देखा गया है कि वो हमारी बॉडी के अंदर किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के अंदर कभी कभी एज अ इंटरफेरेंस वर्क करते हैं, बट ये बहुत ही रेयर होता है जब हम उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं, बट आज तक ऐसा देखा नहीं गया है। नॉर्मली लोग 100 to 250 ग्राम तक ही इसका कंजम्पशन करते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। क्या आप कोई रेसिपी बताना चाहेंगी मिलेट्स की? मिलेट्स के लिए बहुत सारी सेवरल रेसिपीज हैं। बात करते हैं अगर हम रागी की, तो जैसा मैंने बताया रागी को आप इडली डोसा जो आप बनाते हैं उसके बैटर में रागी फ्लोर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अभी विंटर्स चल रहे हैं तो रागी का जो सीरा होता है, रागी का जो हलवा होता है, वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही हेल्दीएस्ट हम बोल सकते हैं। आप रागी का हलवा बनाइए, उसके ऊपर आप बादाम या रागी के साथ आप खसखस का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वार बाजरा जो होता है उसकी आप रोटी बना के ग्रीन वेजिस के साथ, दाल के साथ आप खा सकते हैं। ज्वार बाजरे को हम चपाती के रूप में ले सकते हैं, या उसकी जो हम लोग राब बना के लेते हैं उस तरह से भी हम ले सकते हैं। ये इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है।
आजकल हम देखते हैं सभी को घुटनों के दर्द की शिकायत रहती है, हड्डियों की दर्द की शिकायत रहती है, कैल्शियम कंटेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण आप इसका यूज करेंगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने में काफी हेल्प मिलती है। शिखा, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।